हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स। व्यूअर्स, आज मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा प्लान दिखाना चाहूँगा। देखिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक, और आपको इसी तरह से और भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगा। तो आज हम आपको दिखाएंगे एक छोटा सा सिंपल सा डिज़ाइन, एंड वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। एंड किसी को 3D फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8095615113 पर। इस प्लान में जो कंसिस्ट करता है एक पार्किंग एरिया है, पार्किंग का साइज 11 फीट 6 इंच बाई 13 फीट 9 इंच। ओके, यहाँ पर स्टेयरकेस दी गई है, इधर स्टेयरकेस, यहाँ पे एक बेडरूम, लिविंग हॉल, बेडरूम, मास्टर बेडरूम, किचन, डाइनिंग हॉल। सो ये जो सूटेबल रहेगा वेस्ट फेस, स्पेशली फॉर द वेस्ट फेस के लिए। जब आप एंटर होते घर के अंदर, ये रोड है, रोड से आप एंटर है, वेस्ट फेस का ये प्लॉट है। यहाँ पे स्टेयरकेस दिया गया है, स्टेयरकेस के लिए आपको लगभग जगह चाहिए 6 फीट वाइड, और लेंथ में जो चाहिए आपको 15 फीट का लेंथ में वाइड चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ही सीधा रुक करें पार्किंग एरिया, एक नॉर्मल छोटी सी कार पार्क कर सकते हैं, और इधर लिविंग एरिया, सोफा रखने के लिए जगह, एक विंडो। सो मेन डोर का साइज़ भी दिया गया है यहाँ पर 3 फीट 6 इंच, और डोर का साइज़, विंडो का साइज़ जो है 3 फीट 6 इंच। फिर यहाँ से यहाँ पेंटर होते हैं स्टोर, स्टोर का साइज आपको मिल रहा है 8 फीट बाई 5 फीट। एंड यहाँ पर देखिएगा ये कॉमन टॉयलेट एंड बाथ 8 फीट बाई 5 फीट। एंड यहाँ पे है बेडरूम 12 फीट 6 इंच बाई 10 फीट में बेडरूम दी गई है। यहाँ पे पैसेज जगह है, पैसेज 3 फीट। ये जो पैसेज दिया गया उतना कुछ खास नहीं है, बिकॉज प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। आप चाहे तो वहाँ पर ओपन रख सकते हैं एक्स्ट्रा बेडरूम डालने के बदले, या फिर टेम्पररी बेडरूम कर सकते हैं जैसे कि बिना दीवार बांध के। यहाँ पर डाइनिंग हॉल मिल रहा है, डाइनिंग हॉल का साइज 13 फीट 6 इंच बाई 10 फीट। एंड यहाँ पे एक पूजा रूम और किचन, पूजा रूम का साइज आपको मिल रहा है 4 फीट 3 इंच बाई 4 फीट 6 इंच, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे किचन 7 फीट 9 इंच बाई 10 फीट में किचन मिल रहा है। तो एक छोटा सा सिंपल सा प्लान था जो आज हम आपको बताए हैं, एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर जो आपको दीवार का साइज़ मिल रहा है 9 इंच का दीवार है, आप चाहे तो सिंगल ब्रिक का भी ले सकते हैं। ये जितना भी ब्रिक्स है वो डबल ब्रिक का है, आप चाहे तो वहाँ पर सिंगल ब्रिक ले सकते हैं। तो ये था कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द हाउस प्लान, एंड आपको आने वाले समय में और भी आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्लान डिज़ाइन मिलते रहेगा हमारे चैनल पर। सो कीप सपोर्टिंग मी टू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच, हैव ग्रेट डे।